अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये कहने वाले और करने वाले योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ यूपी के वो मुख्यमंत्री जिनका नाम लेने से भी अपराधियों की जुबान कांपती है, जो हजारों सैकड़ों की भीड़ में भी अपने भगवा चोले में अलग चमकते हैं। अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल इतना मशहूर है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपराधियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाने लगे हैं। एक जमाने में जो उत्तर प्रदेश माफिया, डॉन और गैंगस्टर्स के लिए कुख्यात होता था, उसी उत्तर प्रदेश से बदमाश भागने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। मिट्टी में मिला देंगे, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कपड़ों पे हो, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल यूपी पुलिस के डायल 112 पर एक मैसेज आया। इस मैसेज के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हड़कंप तो मचना ही था, क्योंकि मैसेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की बात लिखी गई थी। मैसेज मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और अज्ञात अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने एटीएस समेत सभी जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी को डायल 112 के सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला था। इसमें लिखा गया था, योगी सीएम को मार दूंगा जल्द। इस धमकी भरे मैसेज के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई, साथ ही सीएम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत गोल्फ सिटी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आईपीसी की धारा 506, 507 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। फिलहाल उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन अब उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही लोगों के बीच रोड शो भी करेंगे। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति का उनके करीब पहुंच पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है। ये कोई पहला मौका नहीं जब योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई हो। उन्हें बीते साल अप्रैल महीने में भी जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद लखनऊ की साइबर सेल ने राजस्थान के मेवाड़ से सरफराज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। इसने भी डायल 112 के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस मामले में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 2 अगस्त को केस दर्ज किया गया था। अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर अपराधियों के सफाई की बात करते हैं, और सिर्फ बात ही नहीं करते, उनके नेतृत्व में यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर भी टूटी है, इसलिए कई बार उनके नाम पर धमकी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देवेंद्र ने अवैध बुचड़खानों के खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दाखिल की हुई है, जिसको लेकर ये धमकी दी गई थी। देवेंद्र के घर पर मिली चिट्ठी में कहा गया है कि बाकी लोगों की गर्दन काटी है, तुम दोनों को बम से उड़ाएंगे, यानी कि देवेंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। प्रधानमंत्री के केरल दौरे से पहले धमकी भरा पत्र भेजा गया था। इसमें पीएम के कार्यक्रम के दौरान आत्मघाती हमले की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया था,
साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था। पुलिस ने रविवार को धमकी देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की रैली से पहले धमकी भरे पत्र में एक एड्रेस लिखा हुआ था। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि उस व्यक्ति को फंसाने के लिए किसी ने उसके घर के पते का इस्तेमाल किया है। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए वापस बाबा की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बेहिचक कार्रवाई करवाते हैं, इसलिए उन्हें धमकी देने वाले या उनके बारे में बुरा सोचने वालों की कमी नहीं। लेकिन अगर उन लोगों को लगता है कि बाबा इन धमकियों से डर जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।